मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, मैं इन्हें अपने तालीमी जमाने से जानता हूं। सियासत में जब कदम रखा मैं 1948 में 1978 में पहला इलेक्शन लड़ा तो मेरा निशान में ऊंट था और मेरे पूरे एडवर्टाइजमेंट्स निशान वगैरह उस जमाने में ये करते थे। एक होनहार आर्टिस्ट है, काबिल है और किसी की काबिलियत किसी भी फील्ड में उसकी महारत जो है उसका काम बोलती है, बेशक बेशक लोगों की जबान बोलती है, लीडर की जबान से आता है, लीडर की जबान से वही आता है किसी आदमी के बारे में जो उसका काम बोलता है। आज मुझे खुशी है कि एजाज ने ये जो आज एग्जीबिशन रखी, उन्होंने अपने हुनर को एग्जीबिट किया लोगों के सामने, तो मैं समझता हूँ न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम गुलबर्गा वालों का, इस ज़िले के लोगों का, इस हैदराबाद कर्नाटक के लोगों का और कर्नाटक स्टेट का सर फख्र से ऊंचा होता है कि सरजमीन बंदा नवाज पर, बसवेश्वर की ज़मीन पर बुद्धा का आज जो यहाँ पर मरकज़ बना हुआ है, आज दत्तात्रेय का जैसा मंदिर यहाँ पर है, आप देखेंगे कि गुलबर्गा एक हिस्टोरिकली नहीं है बल्कि सूफियों का, संतों का, मोहब्बत के बांटने वालों का शहर भी है, ये मोहब्बत के बांटने वालों का ज़िला भी है और यहाँ हर फील्ड में लोगों ने काम किया है। लेकिन ये बात और है कि गुलबर्गे के आर्टिस्टों को, गुलबर्गे के कलाकारों को, गुलबर्गे के राइटर्स को मुख्तलिफ फील्ड में, गुलबर्गे के सियासतदानों को वो उभार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने अपनी अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर उन्होंने जो कुछ भी नाम कमाया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देर सही दुरुस्त सही, एक ज़बरदस्त उन्होंने अपने आर्ट का यहाँ पर एग्जीबिशन किया है, चनाचे इसको मुल्क भर में, दुनिया में उजागर करने के लिए कमरुल इस्लाम बहैसियत एक सियासतदान, बहैसियत एक गुलबर्गा के नागरिक और जो कुछ भी मेरा स्टेटस है, जो कुछ भी इन्फ्लुएंस मेरे हाथ में है, वॉट एवर पावर आई एम एंजॉइंग, मैं खुलूस दिल के साथ इसको इनक्रेज करना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, ये साथी एक दो नहीं है, ये खुद एक एक साथी एक एक अंजुमन है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, तो ये सब जो है यहाँ पर मौजूद है, इन सब का ताउन मेरे साथ रहेगा। एजाज को, इसके आर्ट को, एजाज को उभारना नहीं है, इसके आर्ट को उभारना है। इंसान क्या चाहता है, वो आज पैदा हुआ है कल मर जाएगा, लेकिन उसका काम उसके नाम को जिंदा रखेगा, उस इलाके को जिंदा रखेगा और वो
एक नई तारीख लिखेगा। वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपने जिंदगी में अपने काम से तारीख के एक नए बाप को इजाफा देते हैं। तो आज एजाज ने भी तारीख के आर्ट में एक नए बाप का इजाफा किया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। खुश नसीबी है कि मुझे आज गुलबर्गा में अपने मुल्क में अपने वतन में पेंटिंग एग्जीबिशन करने का शर्फ हासिल हो रहा है और इसकी ऑर्गेनाइज इसमें इनॉग्रेशन में भी खमर साहब ने मेरा साथ दिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वक्त भी जनाब खबर साहब ही उसका इफ्तिताह किए थे, आज भी इत्तेफाक से वही मेरे काम आए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेरा अपना फैमिली का ग्रुप है, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक लाया है, और वरना मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इतना काम अकेला कर सकूं। मेरी फैमिली मेंबर के पूरे एक एक फ़र्द ने जो है मेरा साथ दिया है, इसकी वजह से जो है मैं ये आज करने के काबिल हुआ हूँ। इंशाल्लाह गुलबर्गा के बाद बाहर मुख्तलिफ शहरों में भी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप लोग मेरे काम को इसी तरह सराहेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे और इस तरह से मेरे काम में और उस फन में इजाफा होगा। और मुझे आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना है इस बात का कि जो है आप लोगों ने मेरे काम को सराहा है। शुक्रिया।